Greetings and welcome to Me and Tarot. तो अच्छा टॉपिक है आज की ग्रिल की बातें, ठीक है। हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये फॉर्चून कुकी, देन गॉट द टैरो, देन गॉट द ओरेकल, ठीक है। चलो देखते हैं फॉर्चून कुकी में से आज कौन सी कुकी आती है। लेट्स कनेक्ट विद द वन कुकी फॉर देम, ठीक है। चलो ये कुकी आ गई, तो चलो लेते हैं इसको। लव, वाओ लव आ गया, क्या इसका मतलब। Love is in the air, a great time for commitment and taking relationships to the next level. Wow, ठीक है। तो आज का जो उनका फंडा होगा या फिर फंडा है, whatever it could be, कि भाई सब तरफ प्यार है, लव है एंड कमिटमेंट अगर कोई चाहता है, देना चाहता है, लेना चाहता है, तो ये काफ़ी सही मौका हो सकता है एंड रिश्ते को एक नए मुकाम पे आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग। मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन चाहता है कि भाई कमिटमेंट मिल जाए एंड रिश्ता ऑफिशियल हो जाए, लोग इसे जाने पर गए, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो जिस कपल की एक ख्वाहिश थी कि हम इसे करते हैं, वो कर सकते हैं। सेकेंडली कई सारे लोगों के जो गठबंधन भी हो सकते हैं, लाइक वो अपनी मैरिजेस फिक्स कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट कमिटमेंट के कारण यू नो कि भी एक छोटी सी सेरेमनी या फिर छोटी सी पार्टी भी थ्रोबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकी। और अब देखते हैं टैरो। ये काफ़ी 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 दिनों बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे मोस्टली यूज़ नहीं किया मैंने। सिस्टर ऑब्वियस है। चलो दो कार्ड आ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं भी आज की दिल की बातें में हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। हाँ चलो ये भी दो कार्ड आ गए, जस्ट मिनट। ये क्या प्ले हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो ओके ये भी आ गए, दैट्स इट। अब बस हमें एक कार्ड और चाहिए, बस एक कार्ड, और ये चुनते हैं हम, ठीक है। मैं स्टैंड, यस यहाँ पे एक स्टैंड है तो वही लेता हूँ। कल मैंने दूसरी जगह पे रीडिंग ली थी। ओके तो पहले मैं कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। सभी क्या कार्ड क्या स्ट्रेट है क्या, ठीक है देखते हैं। यस तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके सो हियर वी गो। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है, फीलिंग अ बिट डिप्रेस। नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, डिप्रेस कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यू नो मतलब नर्वसनेस भी हम इसे कह सकते हैं। ओके कमिटमेंट तो पहला कार्ड आ गया था रिगार्डिंग दी फॉर्चून की। तो यू नो कुछ ऐसे भी कपल हो सकते हैं कि जो कमिटमेंट देने से डरते हैं, या फिर जिनको डर है कि यू नो अगर कमिटमेंट दे दी मैंने अभी तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा बहुत ही जल्द, शादी हो गई, घर हो गया, नई जॉब हो गई, तो यू नो कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मतलब देखो प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना वो अलग बात है। ये कैसे कहूँ कि भाई आइसक्रीम खाना बहुत इजी है, लेकिन उसके साथ अगर आपको छींक आती है या फिर यू नो अचानक से सिर दर्द होने लगता है, तो वो सब कौन करेगा, या फिर यू नो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मुझे पे करना है वगैरह, वो बहुत अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स में क्या दिख रहेगा ये ना कहीं पे कि भाई दिस पर्सन इज लाइक हैविंग सच काइंड ऑफ एटीट्यूड। कुछ लोग शायद इस मकाम पे नहीं है कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली ऐसा है कि कोई देना तो चाहता है, लेकिन लुकिंग एट योर कंडीशन कि मे बी आपकी फैमिली अपोज कर रही है या फिर आप अभी फिलहाल रेडी नहीं हो। मतलब वो तो कहना चाहते हैं कि चलो भाई हम कमिटमेंट करते हैं, और आप क्या रहे कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मे बी आपकी कोई ख्वाहिश है कि एक सपना पूरा होने के बाद ही हम इसका ऐलान कर देंगे, तो वो भी बात यहाँ पे हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ रॉड्स, एज यू कैन सी आगे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड दैट्स व्हाट यू सी के भाई ये पर्सन आपको बुला रहा है कि एटलीस्ट हम बातचीत तो करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए कार्ड हो सकता है, एंड दिस पर्सन इज लाइक कि भाई बहुत जल्द हम मिलते हैं, बातें करते हैं, जो भी हमारी ख्वाहिश है वो एक दूसरे को बताते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है जो हम देख सकते हैं। ये है एरीज, लियो, सैज, देन यू गॉट द सिक्स ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके कि भाई अगर आप इनसे मिलना नहीं चाहते तो ये खुद आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कहें तो वो भी ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मिलने की जज्बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज लाइक कि भाई आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है।
तो मिलने के कगार पर ये पर्सन हो सकता है एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग इस पर्सन की एटीट्यूड है, वो आपसे मिलना चाहता है रोमांटिक चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं या फिर कमिटमेंट के लिए भी। ठीक है, एजुकेटिव एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। नाउ ये क्यों आ गया है? देखो, अगर आप इनसे मिल नहीं सकते किसी भी कारण की वजह से तो ये उनकी हालत हो सकती है या होने वाली है। ठीक है, यदि ये बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे और इसी कारण आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं या फिर कह रहे हैं आपको कि भाई चाहे जो हो जाए ये पर्सन विल रीच आउट टू यू, लेकिन अगर आप इनसे रीच आउट नहीं करते तो फिर ये उनकी हालत हो सकती है कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब मेरे हाथ में क्या है। राइट, हाँ, ये जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब जो उनके लिए मीनिंग निकली वो आपके लिए भी निकल सकती है। सो जैसा आपको रेजोनेट होगा आप वैसा ले सकते हो। पनिश कार्ड वाई किंग ऑफ सॉर्ट्स, यानी कहीं ना कहीं भी बहानेबाजी भी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं पे मन बनाना भी होता है। ठीक है, ये क्यों कहा मैंने बहानेबाजी, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से हो सकती है कि भाई मैं नहीं मिल सकता या फिर मुझे इसलिए मिलना है वगैरह वगैरह, मे बी उनको आपसे रोमांटिक बातें करनी है, सेक्शुअल टॉक हो सकता है, वॉट एवर वो एक रीज़न हो सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपको किसी भी हद में रह के यू नो आपसे बातें करना चाहता है एंड आपको कन्विंस करना चाहता है कि जो भी इस पर्सन ने अभी कहा है लाइक वो आपसे मिलना चाहता है या फिर इस रिश्ते को पक्का करना चाहता है, कमिटमेंट लेना चाहता है, तो ये किस लिए ज़रूरी है वो आपको समझाना भी चाह रहा होगा। तो कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन पीक पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई पर्सन अभी मिलने को रेडी नहीं है तो शायद वो कुछ हफ्तों के लिए शायद मिलने को या फिर बात करने के लिए भी रेडी नहीं होगा। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आ गया, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल चेहरा यहाँ पे दिख रहा है जो कि है टॉरस और कैप्रिकॉर्न की भी। दिस पर्सन इज टेलिंग यू दैट आई वांट टू बी विद यू, ये आपके साथ होना चाहते हैं एंड इस हिसाब से कि भी ये आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह कि प्रैक्टिकल चीज़ों को ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। तो या तो किसी ने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी होंगी कि भाई अगर आपने अभी हाँ कही तो ठीक है, वरना मैं कहीं और सेटल हो सकता हूँ या फिर मेरी फैमिली मुझे कहीं पे और सेटल कर देना चाहती है। तो पेंटाकल्स में ये दिख रहा है कि ये पर्सन या तो यू नो किसी मतलब किसी फैमिली मैटर के लिए आपसे गुजारिश कर रही कि या तो आप खुद आइए या तो फिर मुझे मूव ऑन होना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है थ्री ऑफ रॉड्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है दी हायरोफेंट। तो टॉरस का कार्ड लास्ट में आ गया है उसे बात पर देखेंगे, लेकिन जो थ्री ऑफ रॉड्स है एरिस लियो सैंच क्या है इसका मतलब कि भाई ये वेट कर रहा है पर्सन कि कब आपको मौका मिले। अगर काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से पर्सन अगर रिश्तों को धुतकार रहा है बिकॉज ऑफ जस्ट ऑफ यू, तो कहीं ना कहीं फैमिली को पता चल जाएगा कि भाई कोई तो एक स्पेशल पर्सन है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, अब या तो इसकी फैमिली आपको इनके साथ यू नो मिलने को बुला सकती है एंड आपको अंडरस्टैंड कर सकती है, आपको एनालाइज कर सकती है। देखो, प्यार करना ये जज्बात है लेकिन फैमिली के हिसाब से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होता। लड़का और लड़की फाइनेंशियली कैसे स्ट्रगल करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द फ्यूचर, वो भी वो देखना चाहते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो थ्री ऑफ फ्रॉड्स में पेशेंस आ गए यहाँ पे, लेकिन क्या शायद किसी को बुलावा भी आ सकता है कि भाई प्लीज़ कम, वी वांट टू सी यू, कि आप मेरे लड़के या लड़की के लिए सही हो या नहीं। एंड जो फिनाले का डेट टॉरस यानी कि भाई हायरोफेंट यानी कि कहीं ना कहीं पे हमें मिलाप लिख रहा है। ठीक है, मिलाप दिख रहा है मतलब मिलाप हो सकता है, बस बात यही है कि अगर आप दोनों कमिटमेंट दे सकते हो और दे रहे हो तो आपका आपका मिलाप हो सकता है, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी अगर इनकार किया है तो शायद कोई और पर्सन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सो टॉरस यहाँ पे है यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे मिलाप तो होगा लेकिन डिपेंड होता है कि कमिटमेंट फाइनली कौन देता है। ठीक है, तो इफ़ यू बिलीव दैट दिस बिलोंग्स टू बोथ ऑफ यू, हैट्स ऑफ टू यू, या फिर आपके अपने अपने रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है, ये बस कार्ड्स कह रहे हैं, बाकी रियलिटी आपके ऊपर डिपेंड होती है, आप दोनों किस तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हो। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग आती है। चलो भाई कुछ कार्ड चुनते हैं। यस, ये कुछ कार्ड आ गए थे यहाँ पे, तो ये मुझे वापस से चुनने होंगे शायद से, ये कहीं पे गुम। ओके, यहाँ पे आ गया, चलो एक कार्ड तो आ गया। ओके, अब देखते हैं और कौन से कार्ड्स हैं। हियर वी गो। ठीक है, ये एक और आ गया, दो कार्ड आ गए और एक और कार्ड लेते हैं, तीन। यस, तीसरा कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सो हियर वी गो। देखो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे, यस, वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब ये पर्सन या फिर आपकी भी ऐसी हालत हो सकती है कि नींद नहीं आ रही है,
एंड डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन तरीके से सकता है लेकिन एंग्जाइटी बहुत हो सकती है, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं कि भाई क्या होगा कैसे होगा, लाइक अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है या फिर फाइनली अगर आप उनके घर वालों से मिल रहे हो या फिर बात अगर पक्की करनी है। ठीक है, मान लीजिए कोई इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था कि कभी 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 तो कभी ये रिश्ता पक्का होने वाला था, तो कहीं ना कहीं किसी को एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं, अचानक से डर लगना का कभी होना वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ें या तो इनको या फिर आपको वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है पेनफुल सेपरेशन। तो जैसे मैंने कहा कि या तो ये आपके साथ होगा, आप दोनों के साथ, या फिर ये पर्सन अगर किसी और के साथ था या है, यू नो, कोई थर्ड पर्सन जो कि भाई इनको बहला फुसला रहा था या फिर इनसे बस काम करना चाहता था, फिर इनको झूठे वादे दे रहा था, तो ऐसे पर्सन से इनका सेपरेशन हो सकता है। लेकिन बिकॉज मे बी ये इन्वॉल्व थे या फिर अगर आपके बारे में है तो अगर आप भी इन्वॉल्व थे तो हाँ तकलीफ तो हो सकती है। फाइनली अगर आप दोनों साथ में आने वाले हों तो जिस पर्सन के साथ भी आप थे जो कि एक ऐसा रिश्ता था जो झूठा था या फिर जो जायज़ नहीं था, तो ऐसे में भले ही आप सेपरेट हो रहे हो लेकिन अगर आप की ख्वाहिश सही थी, दिल सही था, तो तकलीफ तो हो सकती है। एंड जो फिनाले कार्ड है विड्रॉ, तो थर्ड कार्ड वही कह रहा है कि भाई फोर्सफुली या फिर अपने मन से ये पर्सन किसी पर्सन के दिल से अपना नाता तोड़ सकता है। ठीक है, विड्रॉ क्यों हो सकता है, मे बी कि कोई पर्सन इनको बस दिखावा कर रहा था या फिर आपको भी लग रहा है कि हाँ भाई इस पर्सन ने आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर आप में से कोई पर्सन और किसी के साथ था इन्वॉल्व जिसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो ये भी कि आप किसी के साथ यू नो जो रिश्ता है वो तोड़ सकते हैं। रीडिंग आप इट रेजोनेट।